मित्रों अभी जो हाल ही में पांच राज्यों के चुनाव हुए उसमें हमने देखा है कि किस प्रचंड तरीके से देश की जनता ने इन राज्यों की जनता ने मोदी की गारंटी पर फिर से एक बार मुहर लगाई है इन द रिसेंटली कंक्लूडेड असेंबली इलेक्शंस, फ्रेंड्स वी हैव सीन द मैनर इन विच

मतलब सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण पर डिलीवरी मोदी की गारंटी मतलब ईज ऑफ लिविंग या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यापक बढ़ोतरी यह है मोदी की गारंटी और इस मोदी की गारंटी में मूलतः अगर आप देखेंगे तो देश को आगे ले जाने के लिए देश की जनता के लिए एक क्लियर कट मिशन और विशन है देश की अर्थव्यवस्था को दसवें से पांचवें और पांचवें से तीसरे स्थान पर ले जाना है किस प्रकार से साढ़े तेरह करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है किस प्रकार से साढ़े तीन करोड़ गरीबों के आवास बनाने हैं किस प्रकार से बारह करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाना है उज्जवला गैस सिलेंडर के योजना से गैस सिलेंडर पहुंचाना है क्लियर कट मिशन और विशन अंडरलाइंस व्हाट इज मोदी की गारंटी एक तरफ तो मोदी की गारंटी में मिशन और विशन और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसी ऐसी तस्वीरें जो लोग एक दूसरे के साथ लगातार लड़ते आए हैं आजकल वो हाथ में हाथ डाले दल से दल को मिला तो रहे हैं परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाते क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की मिशन और विशन है और दूसरी तरफ गारंटी ऑफ कमीशन गारंटी ऑफ करप्शन गारंटी ऑफ डिविजन गारंटी ऑफ फैमिली रन डायनेस्टी प्रोफेशन गारंटी ऑफ अपना अपना एम्बिशन एंड गारंटी ऑफ डिसरप्शन इवन इन पार्लियामेंट ये दोनों विकल्पों के बीच में अभी पांच राज्यों में चुनाव हुए और देश की जनता ने जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में मिशन और विशन वाली सरकार को मध्य प्रदेश में अठारह वर्ष बाद भी रिपीट किया और जो ये डिविजन कमीशन करप्शन एम्बिशन डिसरप्शन वाले लोग हैं जो एक हो जाते हैं वैसे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं एक दूसरे को गालियां भी देते हैं ऐसे लोगों को डिलीट करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार मोदी जी के मिशन और विशन को रिपीट करने का काम किया गया और देश की जनता भारत की विद्वान और बहुत ही विवेकशील जनता ने तो एंडोर्समेंट दे ही दिया था मोदी जी की इस गारंटी को परंतु अब साथ, साथ लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी मोदी की इस गारंटी पर अपनी मुहर बार बार लगाने का काम कर रही है इट इज नॉट जस्ट द पीपल ऑफ इंडिया वेन दे है अपोज बाय दो कम टूगेदर ओनली फॉर करप्शन कमीशन डिविजन एम्बिशन एंड डिसन द पीपल ऑफ इंडिया इंडोस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ मोदी जी मोदी जी इज गारंटी modi's vision and mission and rejected all those who come only for commission and corruption and after the people of india have given us this endorsement it is now even international agencies international bodies and world acclaimed economists that are now giving a thumbs up and an endorsement to modi ki guarantee aaj aap sabhi logon ne hoga ki kis se इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक कंसल्टेशन रिपोर्ट आज सामने आया है रिपोर्ट काफी विस्तृत है इसीलिए मैं आपके सामने सात आठ इसके जो मेन कंक्लूजन है कुछ निष्कर्ष है वो आपके सामने रखना चाहता हूं फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंडोर्समेंट फॉर मोदी की गारंटी एंड मोदी जी विशन एंड मिशन फॉर दी इंडियन ये रिपोर्ट कहती है कि मजबूत व्यापक आर्थिक रणनीतियों के चलते 2023 में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में आज वो उभर कर आया है इट अंडरस्कोर्स इंडिया स्टेटस ऑफ ऑफ वन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन 2023 बॉइड बाय द मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज अंडरटेकन बायरी केपेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको याद होगा दो हजार चौदह में जब ये कमीशन करप्शन डिविजन एम्बिशन वाले लोग थे तो दो हजार चौदह में जब इन्होंने सरकार छोड़ी थी तब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो वो केवल एक अर्थव्यवस्था का आंकड़ा नहीं है वो असलियत में आम नागरिकों के लिए भी ग्रोथ और विकास में तब्दील होता है जो प्रति व्यक्ति आय है पिछले साढ़े नौ वर्षो में वो लगभग दुगने हुए हैं जो मिडिल क्लास की आय है मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोगों की आय है वो लगभग चार गुना बढ़ने का काम हुआ है जो केंद्र की सरकार का सोशल सेक्टर और सामाजिक जनकल्याण के लिए जो खर्च हमारी केंद्र की सरकार करती है वो 2014 में मात्र छ दशमलव छह लाख करोड़ था आज वो बढ़कर बाईस दशमलव चार लाख करोड़ है मतलब कि तीन दशमलव तीन गुना इतना सामाजिक जनकल्याण के लिए खर्च किया जाने वाला जो पैसा है वो बड़ा है मोदी जी के राज में और मोदी जी के शासनकाल में और मोदी जी के सेवा काल में और केवल ये पैसा बड़ा ही नहीं है बल्कि इन पैसों को अलग-अलग स्कीम्स अलग के माध्यम से जब ट्रांसफर किया गया जब लोगों तक पहुंचाया गया तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन धन अकाउंट जैम ट्रिनिटी के माध्यम से जब इसको पहुंचाया गया तो 25 लाख करोड़ जब लोगों के खातों में गए तो 25 लाख करोड़ रुपए ही उन लोगों को मिले एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 85 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं कोई लुटेरा पंजा उन पिचासी पैसों को लूट लेता है और यही अंतर है यही अंतर है एक सरकार जो मिशन और विशन के साथ काम करती है जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए काम करती है जो साढ़े तेरह करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काम करती है जो सबसे ज्यादा तेजी रफ्त के साथ रफ्तार से लोगों को गरीबी से बाहर निकालती है और एक दूसरी सरकार जो केवल कमीशन करप्शन डिस्ट्रप्शन डिविजन एम्बिशन फॉर पोजिशन और डिसरप्शन के नाम पर केवल और केवल दल से दल मिलाने की चेष्टा तो करती है परंतु दिल से दिल उनके नहीं मिलते मैं इस विषय पर अपनी टिप्पणियों को यहीं पर समाप्त करूंगा। अन्य विषयों पर जो भी आपके सवाल होंगे या आपको इस विषय से जुड़े हुए कोई और सवाल पूछने होंगे तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज ही हो रही है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी हो सकता है कि इतनी बार मीटिंग होनी है फिर कैंसिल हो जाती है फिर होनी है फिर कैंसिल हो जाती है अच्छा है लोकतंत्र में तो सभी को अधिकार है कि चाहे वो लगभग तीस पैंतीस चालीस वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ ही क्यों ना रहे हो आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इतिहास ही इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ रहा अब मोदी जी से घबराहट है मिशन और विशन वाली सरकार से घबराहट है तो एनसी और पीडीपी एक हो गए तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट इनका तो कैसा रक्त रंजित इतिहास रहा है इतने वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस भी एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं अधीरंजन जी की टिप्पणियों को मैं नहीं दोहराना चाहता ममता दीदी के बारे में पर ये मिशन और विशन वाली मोदी की गारंटी का ही असर है कि जो जानी दुश्मन है बंगाल में वो भी एक होते जा रहे हैं और देखे ना केरल में भी जो बार बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं यू और एल वो भी मोदी की गारंटी की वजह से उसकी डर की वजह से उसके भय की वजह से एक हो रहे हैं परंतु इस एका में भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग दल से दल तो मिला लेते हैं फोटो में हाथ से हाथ तो मिला लेते हैं परंतु तो दिल से दिल नहीं मिलते मैं सुन रहा था मध्य प्रदेश में किस प्रकार की टिप्पणी अखिलेश यादव जी ने की थी कांग्रेस को लेकर कि ये सबसे चालू पार्टी है धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस ने भी क्या कहा उनके बारे में अभी दो दिन पहले या कल या परसों केजरीवाल जी ने कहा है कि हम चौदह सीटें लड़ेंगे तेरह पंजाब में और एक चंडीगढ़ में लड़ लेंगे इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कहीं पर भी वो नहीं आखते हैं पंजाब में ये इनका गठबंधन है दिल्ली में जब शराब घोटाला होता है तो कार्रवाई होने पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ संजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है जो आमूमन ईडी और सीबीआई को अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ईडी सीबीआई ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के मामले में तो बिल्कुल सही कार्रवाई की ऐसा इनका गठबंधन है ऐसा गठबंधन है कि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों जगह इन्हीं की सरकारें हैं दोनों पानी को लेकर लड़ रहे हैं और अभी मैंने देखा कि पिनराई विजयन जी की पार्टियों ने यह सुझाव दिया है कि राहुल गांधी को वायनाड भी छोड़ देना चाहिए तो मुझे लगता है कि कम से कम अगर आज ये मिलते हैं इनका विशेष अधिकार है लोकतंत्र में सबका अधिकार है वो मिले पर कम से कम लोगों नहीं तो लोगों के लिए क्या मिशन और विशन लेकर जा रहे हैं उस पर कुछ चर्चा कर ले नेता नहीं तो नीति पर कोई चर्चा कर ले पिछली बार मिले थे मुंबई में तो और किसी बात पर तो सहमति नहीं हो पाई थी केवल हिंदुओं को और सनातन को किस प्रकार से अपमानित करना है और कैसे उसको निशाने पर लेना है इसी बात पर सहमति हुई थी उम्मीद है कि आज ऐसी कोई बातों पर या देश को विभाजित करने वाली बातों पर कोई सहमति ना बने देखिए जब जनता का इस प्रकार का आशीर्वाद हो तो फिर विश्वास और आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जाता है ये जनता की वजह से ही आज आप देख सकते हैं कि 18 वर्ष बाद भी मध्य प्रदेश में सबसे बड़े मार्जिन के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को रिपीट करती है तो ये पहली बार है मोहित जी कि राजनीतिक मैं कह सकता हूँ विश्लेषण की शब्दकोश में प्रो हमने एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत सुना था राजनीतिक जो महानुभव है वो हमेशा सरकारें एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कैसे रिपीट नहीं होती ये विश्लेषण करते थे आज ऐसा अवसर आया है कि 2014 के बाद उससे भी बड़े मार्जिन से 2019 में उत्तर प्रदेश में सरकार तैतीस साल बाद फिर से बनना उत्तराखंड में एक हिस्टोरिक ट्रेंड को बक करते हुए सरकार बनना गुजरात में सत्ताईस वर्ष बाद सरकार का बड़े से बड़े मार्जिन से बनना गोवा में सरकार रिपीट होना या चाहे अब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में रिपीट हो रही है तो प्रो इनकम्बेंसी मतलब मोदी जी के काम को देखते हुए जो जनता का विश्वास बार बार मिलता है इसके आधार पर ही इस प्रकार की बात करना मुझे लगता है ये की गई है और ये जनता से प्राप्त किया गया विश्वास है देखिए तो मुझे लगता है कि मोदी जी का या बीजेपी का विरोध करते करते आज विपक्ष खासकर इंडी गठबंधन और राहुल गांधी किस स्तर पर आए हैं मतलब ये उनका लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन बन चुका है कि संविधानिक पदों का बार बार अपमान करें कोई पहली बार ऐसा नहीं किया जा रहा है सबसे पहले राष्ट्रपति जी जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तो अधीर रंजन जी ने उनके पद का अपमान करते हुए राष्ट्रपति कहा था उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रभारी अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू जी को ईवल माइंडसेट का कहा था जिस प्रकार से उसके बाद प्रधानमंत्री जो संविधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनके प्रति मोदी की कब्र खुदेगी मोदी डैश डैश की मौत मरेंगे उनके ओबीसी समाज उनके परिवार तक को बख्शा नहीं गया था उनको भी गाली गलौज और अपमानित करने का काम और राहुल गांधी ने तो ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे कि उनको दोषी भी पाया गया कोर्ट के द्वारा कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया है अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पदों का अपमान करने के बाद जिस प्रकार से देश के उपराष्ट्रपति जो कि सभापति है राज्यसभा के जो अध्यक्ष है राज्यसभा के उनका जिस प्रकार से मखौल उड़ाना यह बताता है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट संविधान पार्लियामेंट्री एथिक्स पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स इसकी कोई चिंता नहीं है इंडी गठबंधन को ये इंडी गठबंधन शायद डिस्कशन नहीं डिसरप्शन ही चाहता है ये इंडी गठबंधन कंसेंसस नहीं कॉन्फ्रेंटेशन ही चाहता है और ये इंडी गठबंधन केवल अपने दलों के हित को और पारिवारिक हितों को देश हित के ऊपर रखता है इसलिए पार्लियामेंट को भी किस प्रकार से बंधक बनाने का काम हॉस्टेज बनाने का काम हर सेशन में लगातार किया गया है और आज भी किया जा रहा है मुझे तो लगता है कि पार्लियामेंट में क्यों ऐसी नौबत आई कि ऐसे सांसदों को सस्पेंड किया जाए उसका जीता जागता प्रमाण देने का काम कल्याण बैनर्जी और राहुल गांधी ने किया है इसमें एक ही चीज जोड़ दूं कि जगदीप धनकर जी वैसे देश के इतने बड़े पद पर बैठने के बाद कोई कहां से आता है या किस पृष्ठभूमि से आता है ये नहीं देखना चाहिए परंतु तो क्योंकि ये वही लोग हैं जो ओबीसी ओबीसी भी कहते रहते हैं इनके एक मुख्यमंत्री रेवांत रेड्डी ने बिहार के विषय में और कुर्मी समाज के विषय में जो टिप्पणी तो की थी आज जो निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण हरकत कल्याण बैनर्जी ने की है वो शायद भूल गए हैं कि ओबीसी समाज से आने वाले राजस्थान के सन ऑफ सॉइल आज उस उपराष्ट्रपति पद पर आसीन है आदिवासी राष्ट्रपति का मकौल उपराष्ट्रपति जो ओबीसी शोषित वंचित समाज से आते उनका मखौल और फिर ये लोग जिस प्रकार की बातें करते हैं मुझे लगता है देश की जनता देख रही है कि संविधानिक पदों का भी और गरीब शोषित वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठते हैं उन लोगों का भी मखौल उड़ाने का अगर काम किया जाता है तो उनकी सामंती मानसिकता और अहंकारी सोच का परिचय आज मुझे मिलता है और कम से कम राहुल गांधी और कल्याण बैनर्जी को अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो मांग ही नहीं चाहिए परंतु उनकी पार्टियों को भी सोच विचार करना चाहिए कि क्या इस प्रकार का नेतृत्व होगा उनकी पार्टी के द्वारा पार्लियामेंट के भीतर और कोई विषय हो वरना हम इस प्रेस वार्ता को यहीं समाप्त कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद